प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद से ही अपनी नीतियों को लेकर खबरों में आ रही है। इसी का ताजा उदाहरण है तेंदुपत्ता भंडारण के मजदूरों की मजदूरी में की गई कटौती, जो कि कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में आज एसडीएम ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। वित्तीय वर्ष 2019 में तेंदुपत्ता गोदाम में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी भुगतान में कटौती की गई है, जिसे लेकर युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव की इकाई के द्वारा मजदूरों के साथ मिलकर डोंगरगढ़ एसडीएम अविनाश भोई को अपनी समस्या से अवगत करवाकर ज्ञापन सौंपा। युवा जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमर गोस्वामी ने बताया कि अगर जल्द ही इन मजदूरों की समस्या को सरकार दूर नहीं करती है तो वह उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। आज ये जो बीड़ी मजदूरों द्वारा अपना ज्ञापन सौंपा गया उस संबंध में, आज जो तेंदुपत्ता जो श्रमिक हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया कम मजदूरी के संबंध में, उसमें हमने एसडीएफ फॉरेस्ट से जानकारी मंगवाई है। उस नियम अनुसार उसमें जो भी भुगतान अगर कम किया गया होगा या कुछ गड़बड़ी होगी उसमें उसको भुगतान सही रेट से कराया गया। लोग बड़े भाग के भारतीय कांग्रेस इसको सामने ला रहा, क्या मामला क्या? आज जो जनता कांग्रेस यूनिट के बैनर तले जो ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया गया है उसमें जो तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र में काम करने वाले हमाल और मजदूर हैं उनकी जो राशि है उनको कम की गई है, जिसके लिए हम लोग आज जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बैनर तले एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिए हैं। और ज्ञापन के माध्यम से हमने एसडीएम महोदय जी को बुला है कि 15 दिन के अंदर अगर इन हमालों की मजदूरी की राशि नहीं बढ़ाई गई तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर तले उग्र आंदोलन होगी, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।